हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत मोस्ट आस्क्ड और पॉपुलर क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। तो ये पांच मंत्रास हैं जिसके थ्रू आप टैक्सेशन के पेपर में हाई 90s में स्कोर बहुत ही आराम से कर सकते। बेसिकली देखिए, टैक्सेशन को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत बड़ा वहम होता है और वो वहम जो है धीरे 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 ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि आप जो बच्चे हो, आप एक दूसरे में बात करते हो। राम ने बोला कि यार टैक्सेशन बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे से तो नहीं होगा। और श्याम ने क्या बोला? हाँ यार, बड़ा ही डिफिकल्ट है, मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ दो, बस 40 नंबर आ जाए खत्म। और तीसरे ने क्या बोला कि मुझको तो लग रहा है उतने भी नहीं आएंगे। तो इससे क्या होता है, एक के बाद बात बढ़ती जाती है और आपको जो है टैक्सेशन का भय मन में बैठ जाता है। सबसे पहली बात तो आप समझो, टैक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर इन योर सीए इंटरमीडिएट। बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, स्पेशली जीएसटी के आने के बाद। इस बार जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया, वो आपको मैंने प्रूव भी कर दिया था कितना इजी पेपर आया है। मगर ये उस बच्चे के लिए इजी है, देखो, जिसने ये पांच मंत्रास फॉलो करे। अगर आप ये पांच मंत्रास फॉलो नहीं करोगे तो आप नहीं फिर हाई 90s में ला सकते। देखो, स्वर्ग जाने के लिए मरना तो पड़ता ही है, तो अगर आपको हाई 90s में स्कोर करना है तो ये पांच चीजें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो आपका गोल क्या है? हाई 90s इन टैक्सेशन। आप अगर हाई 90s में इस सब्जेक्ट में ले आए, आपकी परसेंटेज कितनी जो है इंप्रूव हो जाएगी, आप ये सोचो। बड़ा ही इजी है, बहुत इजी है, आप बस ये फाइव मंत्रास फॉलो करें। चलिए, पहला देखो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा क्या है? नो सिलेक्टिव स्टडी। देखो क्या होता है, आजकल स्टूडेंट्स की बहुत ना पॉपुलर फिलोसफी है जो मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं, उनसे पूछो ये किया था, ये तो बड़ा इजी था। मैम इजी था, मैंने सोचा बाद में थोड़ा सा कर लूंगा, फिर मैम बाद में ना रह ही गया। अच्छा बेटा, ये तो बहुत डिफिकल्ट था, ये तो किया ही होगा, ये तो आना ही था, आ भी गया, देखो कहा था आपको। मैम इतना डिफिकल्ट था, मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ी देर में करूंगा, मैम वो रह ही गया। तो ये जो फिलोसफी है ना बेटा, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा कि इजी चीज इसलिए नहीं करनी क्योंकि इजी है, और डिफिकल्ट चीज इसलिए नहीं करनी क्योंकि भाई बहुत डिफिकल्ट है, मेरे बस की नहीं। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। देखो एक बात को समझो कि आपके एग्जामिनेशन में ना कोई ट्रेंड नहीं सेट हुआ है कि दो तीन अटेम्प्ट से ये क्वेश्चन जरूरी आ रहा है तो आएगा ही। अब सीए इंटरमीडिएट के पेपर में भी रेसिडेंशियल स्टेटस का 10 मार्क का क्वेश्चन आया, भाई साहब बड़ा इजी। मैंने आंसर भी डिस्कस किया था आपके साथ उसका, 10 पॉइंट 10 मार्क्स, 1.1 मार्क्स का था और बहुत इजी बेसिक पॉइंट आए थे। मगर ये उसके लिए इजी है जिसने सिलेक्टिव स्टडी ना करी हो। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस इज द इजीएस्ट चैप्टर इन योर टैक्सेशन। अब आप क्या करोगे? आप वो छोड़ दोगे, भाई बाद में थोड़ा बहुत कर लूंगा, इसको करने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत इजी है। तो अगर देखो, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे ना तो आपके लिए, फिर मैं एक ही बात कह सकती हूँ, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे एंड आफ्टर एवरी मे देयर इज अ नवंबर। तो सबसे पहला मंत्र क्या है? नो सिलेक्टिव स्टडी। एग्रीकल्चरल इनकम से लेकर सारे डिडक्शंस तक आपको सब करना है। और वैसे भी अब पहले एग्जेम्प्ट इनकम के नाम के चैप्टर में बहुत सारी एग्जेम्प्शंस थी जो आपके एग्जाम में नहीं आती, अब तो वो भी बहुत कम कर दिया है। तो आप प्लीज सबसे पहली बात को समझिए, सिलेक्टिव स्टडी मत करिए। जो चीज नहीं आती थी वो ऑलरेडी हटा दी है, कैपिटल गेन भी काट दिया, एग्जेम्प्ट इनकम भी काट दिया, सारे चैप्टर्स छोटे छोटे डिडक्शंस में से भी इतना कुछ हटा दिया। तो जो चीजें नहीं आती थी उन्होंने हटा दी, अब जो बचा है वो आपको करना है। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सबसे पहला मंत्र। अब सेकंड मंत्र पे आते हैं। अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। मैम जो 10 मार्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, उसको देखकर तो मैम मेरे ना होश उड़ जाते हैं भाई साहब, पसीने आने लगते हैं, डर जाता हूं मैम मैं क्या करूं। तो बड़ा क्वेश्चन है, सारे हेड्स का मैम उसमें इनकम निकालना होता है, मेरे होश ही उड़ जाते हैं। तो बेटा उस क्वेश्चन को मत देखो ना पहले,
पहले आप बाकी पेपर करो। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे हैंडल किया जाता है, देखो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पीजीपीबी वाला होता है जिसमें सारे हेड्स का इनकम निकाल के उसका टैक्स निकालना होता है, उसको कैसे हैंडल करें इसमें मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगी। वैसे मैं आपको समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको बहुत शांति चाहिए दिमाग की। अगर आपके दिमाग में तूफान होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहले तो ये समझो कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते, अगर आपका नेट आंसर गलत नहीं आया है तो स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे, मगर आपको जो पॉइंट आता है ना आप उसका लॉ जरूर लिख के आना। अगर थोड़ा सा भी आपको ये डाउट हो कि भाई मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं सही कर सकता, तो आप पूरा क्वेश्चन सही करने की सोचो ही मत सोचो, एक्सपेक्ट ही मत करो, नहीं एक्सपेक्ट करो भी दुख भी नहीं होगा। तो अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, खत्म बात। तो अगर आप पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, आपको पता है नहीं 10 में से 10 नहीं आएंगे, तो फिर बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 10 में से 5 ले आओ, 5 तो आएंगे। उसके लिए उन 5 नंबरों के लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत करना है, फिर पॉइंट बाय पॉइंट करते जाना, और जो पॉइंट करो उसका लॉ जरूर लिख के आओ। सेक्शंस लिख दोगे तो बहुत ही बढ़िया। देखो वैसे मैं आपको ये कहती हूँ कि सेक्शंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स, जो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा उसको लगेगा भी इसको सब आता है। गलत मत लिखो, मगर मैं आपको यहाँ ये कहूंगी कि आप सेक्शंस याद करने की कोशिश करो, उससे जो है आपको बहुत फायदा होगा। जहां आपको सेक्शन याद हुआ एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा बाय बाय। तो इसलिए जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब उसको क्वेश्चन लेके चलो, आपको पता है भाई मेरे 10 में से 10 नहीं आएंगे, तो आपके रोने पिटने से, परेशान होने से, पसीने छूटने से नहीं आएंगे, वो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। अगर आपने ठीक से वो पॉइंट्स नहीं प्रिपेयर करे, लाइक आई सेड, अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करी है कुछ पॉइंट्स नहीं आते तो वो नहीं आएंगे, आपके दुखी होने से क्या होता है। तो आप ये इस चीज पे फोकस ना करके कि भाई हाय मेरा क्वेश्चन 10 में से 10 नहीं आएंगे, इस चीज पे फोकस करो कि मैं 10 में से 5 6 7 कैसे लाऊं। समझ आया? ये मैं तब की बात कर रही हूँ जो आप पेपर कर रहे हो, उससे पहले प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे, पेपर की बात कर रही हूँ। पेपर करते वक्त आपको डर लग रहा है, तब आप ये सोचो 10 में से 5 नंबर कैसे ला रहे हैं, 6 नंबर कैसे ला रहे हैं, एटलीस्ट इतने तो ले आओ जो कि आप ला सकते हो। तो उसके लिए आपको एक काम माइंड से काम करना है। दूसरा, आपको जो है लॉ जरूर लिखना है, जो पॉइंट्स आते हैं बच्चे उसका जो है आप लॉ जरूर लिखो। थर्ड, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, प्रेजेंटेशन। आपका आंसर ठीक है, अब एग्जांपल देती हूँ, आपकी मम्मी ने चाय बनाई, बड़ी भाई साहब टेस्टी चाय, मतलब ऐसी चाय उन्होंने कभी नहीं पिलाई आपको, इतनी टेस्टी चाय कि आप बहुत ही खुश हो गए पीकर, मगर जब वो चाय लेकर आई ना तो प्लेट में गिली हुई थी, कप बहुत पुराना सा था, साइड से टूटा हुआ था। तो क्या आपको वो चाय पीने का मन करेगा, चाहे वो चाय कितनी भी अच्छी। मम्मी ने कहा बच्चे बहुत अच्छी है पी तो ले, अब देखो मम्मी मन नहीं है मेरा ना, देख कर ही मन भर गया। एग्जामिनर का भी कुछ यही हाल होता है, जब आप क्वेश्चन तो सही कराते हो समझ कुछ आता नहीं है, तो वो देखे क्या। जब आपने प्रेजेंटेशन ऐसे दी कि यहाँ पे आपने कोई फिगर यहाँ है, कोई फिगर यहाँ है, कोई फिगर यहाँ है, भाई साहब कोई फिगर यहाँ है, यहाँ पे आपने टोटल कर रखा है, तो ये एग्जामिनर कैसे समझे। आप एम्पथाइज करने की कोशिश करो एग्जामिनर के साथ, अपना पेपर चेक तो करो, आपको पता चलेगा बेचारा एग्जामिनर तो अपने बाल उखाड़ने लगेगा, तो समझ ही नहीं, चेक कैसे करो। अब कहीं गलती हो गई, नेट आंसर नहीं मिल रहा तो कैसे चेक करे, कौन सी फिगर कहाँ कैलकुलेट करी है आपने। तो जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, ये प्रेजेंटेशन जो है ना स्पेशली इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी होनी चाहिए। कौन से क्वेश्चन में, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, क्योंकि जितना उसे क्वेश्चन समझ आएगा देखने में पता चलेगा उसे कहाँ गलती हुई है। अगर खाली कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो बख्श देगा आपको, अगर आपका पेपर अच्छा है तो। आप प्रेजेंटेशन प्लीज प्लीज फॉर गॉड से अच्छी रखिए, लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखिए कि समझ तो आए देखने वाले को क्या लिखा है,
आपने ए बी सी डी ई एफ लिखा तो पता चलना चाहिए वो ए बी सी डी ई एफ लिखा है, 1 2 3 4 5 6 नहीं लगना चाहिए। तो आपको जो है इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैम पेपर कंप्लीट करूं प्रेजेंटेशन देखूं, तो बेटा घर पे प्रैक्टिस करो ना, सैंपल पेपर करो घर पे, 3-4 सैंपल पेपर करो, हाई 90s में लाने हैं तो। लाइक आई सेड स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो स्पीड बनाने के लिए घर पे 100-100 नंबर के कम से कम 7-8 सैंपल पेपर करो विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। मैम घर पे ही तो कर रहा हूँ, क्या प्रेजेंटेशन अच्छी अच्छी कर रहे हो आप? घर पे करूंगा प्रैक्टिस, उसमें भी प्रेजेंटेशन अच्छी रखूंगा, फिर आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर सकते। सारी प्रिपरेशन घर से स्टार्ट होती है। अगर घर पे ही हमने प्रैक्टिस करते हुए प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखी तो एग्जाम में कैसे रखोगे? तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब सैंपल पेपर कर रहे हो, इंश्योर कि यही प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में देकर आएंगे। कम से कम हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के 15-20 प्रैक्टिकल चैप्टर के 15-20 क्वेश्चंस आप विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, एटलीस्ट लास्ट रिवीजन में। फर्स्ट सेकंड रिवीजन में मत करो, लास्ट रिवीजन में तो करोगे ना। पेपर में 10-15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, तब कर लो। प्रिपरेशन तो हो ही चुकी होगी, रिवाइज तो करना है। तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन, 7-8, बहुत बड़ा चैप्टर है तो फिर 5-6-7 कर लो। छोटा चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस से जैसा, तो दे लेकर दे, क्वेश्चन भी क्वेश्चन करो उसके, 15-20 क्वेश्चन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो इतना ईजी यू आ जाता है 10 का। फिर स्लम सेल का क्वेश्चन आया था। अब देखो, अब जो स्टूडेंट स्लम सेल नहीं करके जाएगा ये सोच के कि भाई बहुत ईजी है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन था, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कितना इजी था स्लम सेल का क्वेश्चन। तो आपको जो है पहली, सबसे पहले सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सेकंड नंबर में मैंने आपको क्या बताया कि भी लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को देख के डरो मत, कोई भूत नहीं है, खा नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन ही है भाई, क्वेश्चन लेके चलो। थर्ड प्रेजेंटेशन, प्लीज फॉर गॉड से रहम खाओ एग्जामिनर पे। ऐसे लिखो कि उसे समझ तो आए, उसका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बेचारा एक ही क्वेश्चन को पढ़ता रहेगा तो 100 नंबर का पेपर कैसे चेक करेगा? तो अच्छे से लिखो कि अगले को देखने वाले को समझ आए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अल्टीमेटली आते हैं पास्ट थ्योरी। सेम फादर सेम मदर, फिगर चेंज हो जाती है। एक्सपेंस पहले पोस्टेज था, अब स्टेशनरी हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, मस्ट है, आपको छोड़ना ही नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको टैक्स में हाई 90s में स्कोर करना है तो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं। मेरे से लिखवा लो, आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस टेप। हर चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस मैनुअल करो। अगर प्रैक्टिस मैनुअल आपको नेट पे नहीं मिल रहा है तो मार्केट में जाओ, आपको 10 ईयर मिल जाएगा, वहां से 10 ईयर लाओ, अपने आप क्वेश्चंस करो। मैम उसमें अपडेटेड नहीं होता, तो आप अटेम्प्ट करो। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप अपने आंसर्स मुझे दिखाओ, मैं चेक कर दूंगी। वैसे जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उनको दिखाओ, जैसे आप मुझे दिखाते ही हो मैं चेक करके दे देती हूँ आपको। ऐसे जो है आपने कोई क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस मैनुअल से, आपको लग रहा है कि भाई मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, अमेंडमेंट है इसमें क्योंकि, तो आप मुझे दिखा दो, मैं चेक कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा। समझ आया? तो बहाने मत बनाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन को करने ही है। अगर 90s में चाहिए तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको करने पड़े, फुल स्टॉप। अब लास्ट मंथ, बी टारगेट ओरिएंटेड। देखो अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उस टाइम की बात भी है और एग्जाम से 2 दिन पहले की बात भी है, 1-1.5 महीने पहले की बात भी है। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली क्या होता है कि हम जब अपना स्केड्यूल बनाते हैं, इम्प्रैक्टिकल स्केड्यूल बना देते हैं कई बार स्टूडेंट्स। मैं आज जो है 2 चैप्टर निकाल के निपटा लूंगा, टिक टिक टिक, कल 3, टिक टिक टिक, हफ्ते में
नहीं, 3 दिन में सब्जेक्ट खत्म, ये इम्प्रैक्टिकल। क्यों मैम, मेरे फ्रेंड ने किया था, उसने तो कर लिया था, आप इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हो। तो आप आपके फ्रेंड नहीं हो ना, यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव योर ओन हैबिट्स। आपके फ्रेंड को वीडियो गेम नहीं खेलनी है, उसको जरूरत नहीं है, आपको तो खेलनी है, आपका दिमाग ही बंद हो जाएगा। आपका दिमाग वीडियो गेम में गुजर रहेगा, यार मैं पीएस खेल लू, कितना इंटरेस्टिंग गेम। तो आपको तो अपने तरीके से स्केड्यूल बनाना है ना, व्हाई आर यू ट्राइंग टू कॉपी समवन एल्स, एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ सकते हो। तो आप जो है अपने टारगेट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने मन और दिमाग के हिसाब से अपना टारगेट बनाइए, प्रैक्टिकल टारगेट बनाइए जो आपको पता है। पुश योरसेल्फ, आपको अपने आपको पुश करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मगर इतना भी मत बनाओ ना कि आपको पता रहे कि मैं कर नहीं सकता, एक दिन में आप नहीं कर सकते 3 चैप्टर, आपको और भी सब्जेक्ट करने हैं, तो आप क्यों बना रहे हो ये टारगेट। आप जो है वो टारगेट बनाओ जिसके हिसाब से आपकी 3 रिविजन भी हो जाए और आपको दिक्कत भी ना है, प्रैक्टिकल टारगेट, कोई और सब्जेक्ट भी सफर ना करे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, टारगेट खत्म कर। अगर आपने ये बनाया है कि मैं 2 दिन में लगकर पीजीवीपी खत्म कर दूंगा, बनने कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लूंगा, सारे प्रोविजंस कर लूंगा, सारे अमेंडमेंट्स कर लूंगा, तो वो खत्म होना चाहिए। अगर आपने बनाया है मैं 1 दिन में कर लूंगा, तो वो 1 दिन में होना चाहिए। वो टारगेट मत बनाओ जो आप खत्म ना कर पाओ। अगर टारगेट खत्म नहीं हुआ तो फिर आपका पेपर ही, सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू बी टारगेट ओरिएंटेड, पुश योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट बी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर टारगेट। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिकल देन यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश योर सिलेबस एट टाइम। प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाइए, टारगेट ओरिएंटेड होके चलिए। तो ये थे देखिए 5 मंत्र जो मैंने आपको बताए, आप इन मंत्रास को फॉलो करिए और फिर देखिए आपके बहुत आराम से हाई 90s में आएंगे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, किसी तरीके की वीडियो आपको बनवानी हो, आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी ना, अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक करिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपके फ्रेंड्स बेनिफिट करेंगे, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करिए एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपको और बना के आपके सामने प्रेजेंट कर पाए, आपको और फायदा हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन, ताकि व्हेनेवर वी आर ऑनलाइन यू गेट द नोटिफिकेशन एट दैट वेरी मोमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।